गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 6. आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 11.3. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर ये हमारा है 11.3 क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज है जिसको हमें देखना है. यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे, दैट इज़ एरिया. अभी तक आपने पैरामीटर देखा था, अब हमें क्या देखना, एरिया. तो स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का होल स्क्वायर, और रेक्टेंगल के एरिया का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी. ठीक है, सो आपको क्वेश्चन है फर्स्ट में दिया हुआ कि साइड इज इक्वल टू 14 मीटर दी हुई है, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना. तो अभी मैंने जैसे आपको फार्मूला बताया कि स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर. तो साइड दी हुई है आपकी 14 का होल स्क्वायर आप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी दिया हुआ है. आपको लेंथ दी हुई है, आपको ब्रेथ दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ओके सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये ऐसे देख के ही सॉल्व हो जाएगा. हाउ मेनी एनवलप कैन बी मेड आउट ऑफ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 72 सेंटीमीटर. इफ ईच एनवलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज ऑफ 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर. ओके सो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, आपको एरिया निकालना है, यानी कि ये हो गया आपके पेपर का एरिया. तो ये 3 मीटर 24 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चलेंगे तो 300 हो जाएगा और प्लस 24, यानी कि क्या हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर. इसी तरह से ये कितना बन जाएगा, 1 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 72, प्लस कर दीजिए तो 172. सो इसका जो आंसर आएगा, देखिए इस तरह से आप करेंगे तो एरिया ऑफ शीट को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन एनवलप से, तो आपके नंबर ऑफ एनवलप निकल जाएंगे. तो एरिया ऑफ शीट आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ शीट देखिए आपको दिया था, मैंने कहा था ना 3 मीटर 24 सेंटीमीटर को आपने इसको चेंज किया सेंटीमीटर में, सेम डिजिट बनानी है, और ये 1 मीटर 72 सेंटीमीटर था, इसको आपने कन्वर्ट किया. तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है. ठीक है, एल इंटू बी आपने कर दिया और आपका आंसर ये आ गया. फिर आपको एक इनवलप का जो एरिया था आपको दिया हुआ था 18 बाई 12 दिया हुआ है. ठीक है, तो 18 बाई 12 करा तो आपने आपका कितना आ गया एरिया, 261. तो इस एरिया को इसके एरिया से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक इनवलप का साइज़ ये है और पूरा जो शीट है वो इतना है, तो डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आ गया, 258. इट मीन्स 258 इनवलप्स आपको बनेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक रूम है उसका लेंथ जो है वो 12.5 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 8 मीटर है. तो रूम का एरिया निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, एल इंटू पी कर देंगे तो आपका आ गया 100 मीटर स्क्वायर. फिर उस रूम में एक कारपेट बिछा हुआ है जो 8 मीटर का है. ठीक है, एक रूम है उसमें कारपेट बिछा हुआ है 8 मीटर का और इतने बाई का रूम है ना, यानी कि उसकी लेंथ 12.5 थी 8, तो आपने एरिया निकाल लिया कि 100 मीटर स्क्वायर है और जो कारपेट है वो कितना है, 8 मीटर है. तो कितना एरिया बच गया जो उस कारपेट से कवर नहीं हो पाया, तो पहले आप कारपेट का एरिया निकालेंगे. तो 8 मीटर दिया हुआ यानी कि एक ही चीज़ दी हुई, साइड दिया हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा वो, तो स्क्वायर के फॉर्मूले में रखेंगे यानी साइड स्क्वायर. तो 64, यानी कि जो रूम है वो 100 मीटर है और जो कारपेट का एरिया है वो 64 है. तो आप रूम वाले एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस कर दीजिए तो जो जिस पे कारपेट नहीं लेड है वो आ जाएगा आपका 36 मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है. और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही हैं, आपको एरिया बस आपको देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया है या स्क्वायर का एरिया, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे.